की फसल को, कोई खेतीबाड़ी अफसर या कोई पीएयू की तरफ से कोई नहीं आता गांव में कि ये इस किस्म की एक सुंडी की खबर आई है, इस पे आप ये स्प्रे कीजिए, अपने आप ही चलता काम। एक दूसरे को पूछते हैं तो देव से नरमे नु पीले जे खंभा वाली सुंडी लगी पत्ते खाई जाती है, वो कहता हां साडे भी लगी, तू कल स्प्रे कर रहे सी केड़ी है, पता नहीं केड़ी है, लाल जी ढक्कन वाली है, सौरा पिंड लाल जी ढक्कन। अब ये भी नहीं पता वो लाल ढक्कन वाली उस सुंडी के लिए बनी है या नहीं, जो पेस्टिसाइड वाले हैं दुकानदार है वो जिस जो जिस जिस दवाई को बेच के ज्यादा कमीशन मिलता है वो दे देते हैं। फिर क्या होता है, मैंने अपने खेत में स्प्रे कर दी, पड़ोसी ने नहीं की, तीन दिन बाद फिर गई सुंडी इधर आ गई। इसके लिए हमें बल्क बनाना पड़ेगा सर, कि 10-10 गांव का एक क्लस्टर बनाइए, कि अनाउंसमेंट हो गुरुद्वारा साहब के स्पीकर में कि ये 10 गांव में अपने बच्चों को और अपने मवेशियों को पशुओं को आप बाहर मत निकालिए, इतने बजे से इतने बजे तक स्प्रे की जाएगी, तो पूरे इलाके से सुंडी खत्म होगी सर। ऐसे नहीं हुआ कि मैंने कर दी उसने नहीं की, उसने कर दी मैंने नहीं की। और धान के अलावा अगर किसी और फसल पर एमएसपी मिल जाए, अभी मैं अगर अप्रिशिएट करता हूं सर कि आप धान मत पीजिए, आप बाजरा बीज लीजिए, आप सूरजमुखी बीज लीजिए, उन्होंने बीज ली 10 में से 5 एकड़ आपको उन्होंने सूरजमुखी बीज ली, 5 में धान। अब मेरे लिए चैलेंज यह रहेगा कि उसको धान 5 एकड़ धान बेचकर जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही प्रॉफिट उसको सनफ्लावर से होना चाहिए, या तो डिफरेंस पे करो उसको या कैसे भी करके पूरा करो, वरना वो अगली बार वो 5 एकड़ नहीं लीजिएगा, फिर धान की तरफ आएगा, फिर पराली होगी। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, मंत्री साहब तो मेरे पार्लियामेंट के भी साथी रहे हैं और मेरी स्टैंडिंग कमेटी जो थी उसके भी मेरे चेयरमैन रहे हैं, तो मुझे बहुत जब मीटिंग होती थी एफसीआई की और सब कुछ हम डिस्कस करते थे, तो वहां भी मैंने यही बोला था कि बड़े मान से बड़ी शान से हम कहते हैं इस बार रिकॉर्ड पैदावार होगी धान की, इतने लाख मीट्रिक टन पैदावार की उम्मीद, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। लेकिन हम ये नहीं सोचते अगर इतने लाख मीट्रिक टन धान होगा तो पराली भी इतने लाख मीट्रिक टन ही होगी, धान तो उससे ले लेते हैं, धान दे दो जी ये चाहिए मेरा राइस चाहिए, और लेते ही उसको कहते हैं अगर आग लगाई पर्चा खाएंगे, मतलब उसको समझ नहीं आता मैं अन्नदाता हूं या मैं क्रिमिनल हूं। पर्चा इसका बदल नहीं है सर, इसका कोई ऐसा बदल निकाला जाए, बड़े बड़े देश में वैज्ञानिक बैठे हैं खेती को अपडेट करने के लिए, बहुत आजकल तकनीकें आ गई हैं, पूरी दुनिया के गांव बन गए हैं, ऐसी तकनीक निकाली जाए कि उसको फसल बीजने के बाद उसको ये डर ना हो कि मेरे घर में पुलिस आएगी या मेरे खेत में पुलिस आएगी, तो स्टिग्मा जो है ये बहुत खतरनाक है समझिए, तो उसको मान महसूस हो कि मैंने ये फसल दी और मैं देश के लिए इतना अनाज दे रहा हूं, मैं देश के लिए इतना, मैं देश का पेट पाल रहा हूं। तो इसीलिए जब मैं पार्लियामेंट में बोलता था कि पंजाब के किसान भी खुदकुशी कर रहे हैं, तो तमिलनाडु केरला वाले साउथ वाले जो हमारे कुलीग थे उनको यकीन नहीं आता था कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है, मैंने कहा जी करता है, कहते अच्छा जी हमें तो ये लगता था वहां तो गिद्दे भंगड़े चलते हैं, मैंने कहा जी असल में आप आगे देखिए कर्जई हो चुके हैं, एक डिपेंडेबिलिटी की बहुत मंत्री साहब प्रॉब्लम है, 100% डिपेंडेबिलिटी उसकी फसल पर है, 6 महीने बाद आएगी, 6 महीने से 2 दिन पहले आधे घंटे की ओलावृष्टि जब बेमौसमी बरसात हो गई उसकी सारी कबीलदारी लाइन से उतर जाएगी, सब उसका मतलब हिसाब किताब बिगड़ जाता है उसका, एक बेटी की शादी 10-10 साल 15-15 साल कर जा रही होता, फिर वो खुदकुशी की तरफ जाता है, खुदकुशी से कोई हाल नहीं है, कर्जा तो रहता है ना, वो अपनी जान लेता है, कर्जा थोड़ी खत्म करता है, कर्जा बेटे पर आ जाता है, कर्जा वहीं पे रह जाता है। तो अगर उसको एक बदल भी दे दिया जाए कि धान भी बीज ले पराली के तुझे पैसे मिलेंगे, ओके उसका उसका प्रॉफिट बढ़ गया, और आपके पास एक बदल है
आप डेयरी में आ जाओ, आप फिशरी में आ जाओ, श्रिम्प का हमारे यहाँ बहुत ही खासतौर पे जलालाबाद फिरोजपुर में बहुत बड़ा आजकल बढ़ रहा है इसका, श्रिम्प की जो वो रखते हैं तालाब बन चुके हैं बहुत से। हमने एक सरकार किसान मिलनी की थी पीएयू में 12 फरवरी को, हमने किसानों को बुलाया, 15,000 किसान आ गए। हमने उनसे पूछा कि आप बताइए कितनी तारीख को नहर में पानी चाहिए, कितनी तारीख को नहर पानी चाहिए। आपको हैरानी होगी कि नरमा और कपास वालों ने कहा, जो बेल्ट है ये बठिंडा वाली अबोर तक राजस्थान के बॉर्डर तक, उन्होंने कहा जी 1 अप्रैल को अगर पानी आ जाए ना टेल में, वो टेल कहलाते हैं, 1 अप्रैल को नहर में पानी आ जाए और 3 पानी हमारे नरमे को, पहले 3 पानी हमें नहर से पानी मिल जाए, उसके बाद कोई भी सुंडी नरमे का नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि नरमे का जो पौधा है वो स्ट्रांग हो जाता है। कितना अच्छा सोल्यूशन है, वही समस्या थी वहीं से सोल्यूशन मिल गया। तो हमने कहा जी 1 अप्रैल को आएगा पानी, इस बार चाहे इधर उधर से जो मर्जी करें आपको 1 अप्रैल को पानी आएगा, लेकिन आप नरमा बीजिए, आप कपास बीजिए, कॉटन इंडस्ट्री को भी आप टेक्सटाइल, क्योंकि टेक्सटाइल बहुत कुछ है हमारे पास, लुधियाना सारा टेक्सटाइल है, अमृतसर टेक्सटाइल है। अभी 23-24 को बिजनेस समिट हो रहा है हमारा, इन्वेस्टमेंट समिट, टेक्सटाइल की कंपनी आ रही है, सनातन आ गया, तो एग्रो की ट्रैक्टर में हम सर पंजाब के 80 देश के 80% ट्रैक्टर हम पैदा कर रहे हैं सर, देश के 80% साइकिल और साइकिल के पार्ट्स हम पैदा कर रहे हैं, हीरो एबल साइकिल, टाटा स्टील हमारे पास आ गया बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर सेकंड बिगेस्ट। तो पंजाब में कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है सर, और लोग मेहनती है, गुरुओं पीरों की धरती है, जहां पे आके कोई सच्चे दिल से काम करेगा उसको बरकत ही होती है सर, कोई घाटा नहीं होता यहाँ पंजाब में आके, क्योंकि पंजाबी से आपको तो अभी यूक्रेन में जंग लगी, अभी तुर्की में भूकंप आया, लेकिन आपको बाकी कुछ दिखे ना दिखे लंगर दिख जाता है सर पंजाबियों का वहां पे, क्योंकि गुरु नानक साहब ने 20 रुपए का लंगर शुरू किया था वो खाना। तो हमारे पास आइडियाज हैं तो इसीलिए पंजाबी जो है वो अलग से पहचान रखते हैं। जोमैटो पंजाबी ने बनाया फरीदकोट का, ओला पंजाबी साने वाले, फ्लिपकार्ट पंजाबी, आइडियाज में कोई कमी नहीं है सर। जो जुगाड़ लफ्ज है वो भी डिक्शनरी को पंजाबियों ने दिया है, कोई ना कोई जुगाड़ हम कर ही थे, वो किसी कंपनी की वो टूथपेस्ट की कंपनी थी, सेल बढ़ानी थी तो पूरी मैनेजमेंट और जो उनके प्रमोशन के बोर्ड था वो सब बुला लिया उन्होंने कि सेल कैसे बढ़ाई जाए, आइडियाज दो। कोई कहे शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर ले लो, किसी ने कहा जी तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर ले लो, किसी ने कहा जी ये आईपीएल की ब्रांड ब्रांड वो ले लो ब्रांडिंग, कोई कुछ कुछ। एक पंजाबी बैठा था वो कहता कुछ नहीं करने की जरूरत, सेल बढ़ेगी, जितने परसेंट सेल बढ़ेगी उसमें से 50% मेरा। कहते हाँ बता, कहते नहीं पहले लिख के दो, क्यों अगर बता दिया आइडिया खत्म, कहते चलो ठीक है लिख के दे दिया 50% तेरा, जितना लेकिन कंपनी का 1 रुपया भी नहीं लगेगा, खर्चा नहीं होगा। कहते जी हमारा जो टूथपेस्ट की ट्यूब है ना, इसका मुंह बहुत छोटा है, तंग है, लोगों को बड़ी ऐसे जोर से प्रेस करके ब्रश पे लगाने की आदत है, थोड़ा मुंह खुला कर दो, लोगों का मजेगा वो उसी उसी तरीके से घुमाएंगे, इतना आएगा सर। और कभी भी आप बता दो, कभी आपके पास टेस्ट ज्यादा आ गया आपने वापस जाना कभी नहीं, चलो आ गया फिर चलो कोई बात नहीं, तो जितनी सेल बढ़ी उसमें से आधा उसका, ये पंजाबियों के आइडिया सर, वी आर ग्लोबल सिटीजन सर। पंजाबी एक ऐसी, हम ग्लोबल सिटीजन है, और पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसकी फ्रेंचाइज भी है, वैंकूवर में एक पंजाब बसता है, टोरंटो में एक पंजाब बसता है, एडमिंटन कैलगरी मेलबर्न सिडनी पार्थ ब्रिस्बेन सिंगापुर मलेशिया लंदन
जहां जाओगे पंजाबी मिलेंगे आपको, कामयाब पंजाबी मिलेंगे, भीख मांगते हुए नहीं मिलेंगे, कामयाब पंजाबी मिलेंगे। बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट अगर आप दे रहे हो सर। मेरे पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए, कहते जी मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करूंगा, इतना रोजगार जनरेट होगा, मुझे सरकार की गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा जी दे देंगे। कहते जी पहले वाली सरकार ने दी नहीं। मैंने कहा जी दे देंगे सपोर्ट, दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं जी सर सपोर्ट तो मुझे चाहिए। मैंने कहा सपोर्ट दे देंगे। नहीं सर पक्का बात है सपोर्ट देंगे। मैंने कहा क्या सपोर्ट मांग रहा होगा? अच्छा सर कहेगा बिजली का टैरिफ कम कर दो, या सी एल यू में हमें थोड़ा छूट दे दो, या जमीन की लीज कम कर दो, और क्या छूट मांग रहा होगा। मैंने कहा क्या किस व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड? कह रहे बस तंग मत करना, ये सपोर्ट चाहिए। तो सर हमें भी सपोर्ट चाहिए। जितना हमारा टैक्स बनता है वो टाइम पे दे दिया करो। रूरल डेवलपमेंट फंड के पैसे कुछ पड़े हैं वो दे दीजिए। तो बस आपकी सपोर्ट चाहिए। पंजाब जो है वो आजादी के संग्राम में भी सबसे मोहरी था, हरे इंकलाब में भी सबसे मोहरी था, और आने वाले दिनों में इंडस्ट्री में भी और फसलों में भी मोहरी सुबह ही बन के रहेगा। सर बहुत बहुत मेहरबानी, आप लोग पंजाब की धरती पे आए, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं तो यही कहूँगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। इकट्ठे रहे सारे, सोशल कौम को भाईचारा में बना रहे, और देश हमारा दुनिया में चमक सका। बहुत बहुत